हाँ नमस्कार, मेरा नाम है आज़ मोहम्मद कैफ और अक्सर हम एक पॉडकास्ट को लेकर आपके बीच आ रहे हैं जिसमें हम ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं जिनके लिए हमने एक शब्दावली का प्रयोग किया है जो है सेल्फ मेड आइकन, वे लोग जिन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई है। आज हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ना केवल एक नाम है बल्कि अब खुद में एक बहुत बड़ी पहचान बन चुके हैं। देश और दुनिया के लगभग हर कोने में इन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं, दुनिया जानती है, इसके साथ साथ वो एक शानदार पॉलिटिशियन बनकर उभरे हैं। यही नहीं, जिस फील्ड में भी गए हैं वहाँ उन्होंने अपनी एक नई लाइन शुरू कर दी है। इमरान प्रतापगढ़ी उसी इलाहाबाद के पास के प्रतापगढ़ से आते हैं जहाँ के अमिताभ बच्चन का एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपनी लाइन हर जगह से शुरू कर दी है। इमरान साहब, आपका बहुत स्वागत करते हैं हम। शुक्रिया। और आज हम आपसे जिन चीज़ों पर बातें करेंगे वो सब चीज़ें हैं जिन पर लोग अक्सर जो है वो कम आपके बारे में जानते हैं। जैसे वो जानते हैं कि आप एक बेहतरीन शायर हैं, वो जानते हैं कि आप संसद में बहुत शानदार बोलते हैं, वो ये जानते हैं कि आपका जो भावनाओं में बहकर के आप बात कहते हैं वो सीधी दिल को लगती है और बहुत काबिलियत आप में है, एक बेहतरीन वक्ता आप देश के आप माने जा रहे हैं। लेकिन हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जिनको जानने में रुचि उन लोगों की है, उन नई नस्लों की है, उन टीनएजर्स की है जिनसे उनको प्रेरणा मिलती हो, वो आपके संघर्ष को जानना चाहें, आपके जीवन को जानना चाहें, आपकी शुरुआती चीज़ों को जानना चाहें। तो इमरान साहब, मैं समझता हूँ कि आप भी खुद अच्छा महसूस कर रहे होंगे उन चीज़ों के बारे में, आज आपको रिकॉल कराना, उनको याद कराना। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिक्स में आने के बाद तो सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात करती है मीडिया। अच्छा लगता है जब कोई आपकी पर्सनल लाइफ और के संघर्ष पे बात करता है, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा सत्र जो है वो अच्छा रहेगा हम लोगों का। वेरी गुड, थैंक यू। इमरान साहब, ये हम जानना चाहते हैं कि आप जब हम लोगों ने पहली बार, मेरा सवाल यहीं से शुरू हो रहा है कि जब मैंने पहली बार आपका नाम सुना तो इमरान प्रतापगढ़ी, जब आपका पहली बार नाम सुना तो प्रतापगढ़ का जब नाम आता है तो बड़े बड़े लोगों का नाम आता है, कई बड़े नेता हैं, कांग्रेस के भी एक प्रमोद तिवारी हैं और राजा भैया हैं, तो इसके बावजूद उस क्षेत्र की जो पहचान बनी पूरे देश में प्रतापगढ़ी, तो आप अपने नाम के साथ प्रतापगढ़ी रखने के पीछे कोई खास वजह थी? दरअसल मुशायरों में एक ट्रेंड है कवि सम्मेलनों में कि जिस जिले से आप होते हैं आप उस जिले का नाम अपने साथ जोड़ लेते हैं। साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, हमारे यहाँ नाजिश साहब एक बड़ा नाम हुआ करता था, नाजिश प्रतापगढ़ी। तो जब मैं बुशारों में आया और थोड़ा धीरे धीरे पहचान बनने लगी तो मुझे लगा कि मुझे अपने ज़िले का नाम अपने साथ लेके चलना चाहिए। और फिर और शिद्दत से मैंने उस नाम को अपने साथ इसलिए जोड़ा कि मुझे याद है कि हमारे इलाहाबाद में कमिश्नर हुआ करते थे, तो उनसे एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई तो बड़े प्रभावित हुए मुझसे, और माइक से उन्होंने फिर कहा कि मैं आज बड़ा प्रभावित हूँ आपसे, लेकिन कहाँ प्रतापगढ़ आप अपने साथ जोड़े रखते हैं, प्रतापगढ़ तो बड़ा ऐसा वैसा जिला है, मतलब उनके भाव अच्छे नहीं थे। तो फिर मैंने माइक पे आके ही बात कही कि आपने जो भी राय बना रखी है हमारे ज़िले के बारे में उसे बदलने की जिम्मेदारी युवाओं की है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो राय बदलूँ भविष्य में। और अब उनसे बात होती है, अब रिटायर हो गए वो, तो वो कहते हैं कि नहीं तुमने हमारी राय बदल दी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैंने वो ज़िले का नाम अपने साथ जोड़ के रखा और मुझे आज खुशी होती है, गर्व भी होता है कि मैं दुनिया के किसी कोने में खड़ा हूँ तो अगर इमरान का नाम लिया जाएगा तो प्रतापगढ़ का नाम लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अब तो प्रतापगढ़ जो है वो बड़े ही बड़े नाम वाले लोग वहाँ रहे हों, लेकिन प्रतापगढ़ को अब आपके नाम के साथ जाना जाता है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है। ये मेरी खुशनसीबी है और मैं इस पे मुझे लगता है कि उस मिट्टी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। तो आपके नाम से आपके वालिद जाने जाएं, आपके नाम से आपका गाँव जाना जाए, अगर ज़िला जाना जाए, तो फिर मुझे लगता है कि इससे बड़ी कमाई आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ी पूंजी है मेरी। बिल्कुल ठीक बात है इमरान साहब, अब हम वहीं पर चल रहे हैं बात करने के लिए। अब हम उम्मीद है कि आप हमें प्रतापगढ़ के बारे में आप कुछ बताएंगे। प्रतापगढ़ में कहाँ क्या आप रहने वाले हैं और क्या कोई गांव है या? हाँ, खाली से गांव, खांटी जिसको गाँव कहते हैं। मैं मुख्यालय से तकरीबन 17-18 किलोमीटर 20 किलोमीटर होगा, वहाँ पैदा हुआ, शुरुआती पढ़ाई वहीं रही, 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाते थे। तो बड़ा संघर्ष, और यूं कहिए कि जो गांव की मिट्टी जिस तरह से आपको आपकी परवरिश करती है, वहां पैदा हुआ। वालिद साहब नहीं चाहते थे कि बाहर कहीं जाऊं पढ़ने के लिए, क्योंकि बड़ा बेटा था तो हर वालिद चाहता है कि बड़ा बेटा आसपास ही रहे, तो वो मुझे आसपास रोकना चाहते थे। लेकिन फिर मैं 2000 के इंटरमीडिएट करने के बाद फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी निकल आया और इलाहाबाद ने बहुत बदला मुझे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये बात का बड़ा हाथ। आपके वालिद साहब किसान हैं जी? आपके परिवार में कौन कौन?
बहुत सामान्य सा परिवार है, जैसे इस देश के आम परिवार होते हैं। अभी दादाजी हमारे जिंदा हैं और वालिद साहब हैं, हमारे चाचा हैं, बहनें हैं, चार भाई हैं हम, तो एक बड़ा बड़ा सा भरा पूरा परिवार है। और ज़्यादातर लोग अभी प्रतापगढ़ ही रहते हैं। आप कितने बड़े किसान हैं? बहुत बड़े किसान हैं नहीं, जैसे? बहुत छोटे, बहुत छोटे, एक बहुत सामान्य किसान आप जिसको कह सकते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार है, पूरे परिवार से आप अकेले ऐसे खाता व्यक्ति पीता। थे जो पढ़ने के हाँ लिए इलाहाबाद गए? हाँ अकेला पढ़ने के लिए जो मैं बाहर गया, इलाहाबाद गया, मतलब मंडल क्रॉस करके आके गया। बाकी वालिद साहब, एक छोटा सा कस्बा है, कस्बा ही, अब तो गांव छोटे छोटे कस्बों में तब्दील होते चले जा रहे हैं, तो वहीं वो BUMS हैं, डॉक्टर हैं, तो उनकी अपनी क्लिनिक भी है, तो वो वहाँ रहते हैं। और मूलतः किसान हैं हम लोग, और बहुत छोटे, पश्चिम उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पे तो बड़े किसान हैं, हमारी तरफ ज़्यादातर किसान छोटे किसान हैं, 10 बीघा 20 बीघा ये वाले किसान आप जिनको कह सकते हैं, तो जी खाते कमाते लोग हैं। जी लेकिन आप उसे बिल्कुल इस देश का आम मध्यम वर्ग कह जी सकते हैं। जी इमरान साहब, जैसे आपने बताया कि आपके वालिद साहब नहीं चाहते थे कि आप घर से बाहर जाएं, दूर जाना, 100 किलोमीटर पड़ता होगा इलाहाबाद से प्रतापगढ़ संभवतः, हाँ, तकरीबन 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पड़ता होगा, और आप गए 12वीं के बाद। मैं 12वीं के लिए शहर गया, जी तो वहाँ भेजना उनके लिए बड़ा मुश्किल मुश्किल था। था। अच्छा, ये भी होता है कि परिवार में हम चार भाई हैं, बहनें हैं, सबकी पढ़ाई लिखाई है, तो इतने बड़े नहीं थे हम लोग कि बेटा जा करके वो सारे बच्चे जा करके बाहर पढ़ाई करते, तो वो एक मुश्किल काम होता है किसी वालिद के लिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाना। सिर्फ अच्छी देना चाहते थे, या वाली साहब का, अम्मी जी का, या अबू जी का कोई ख्याल था, ख्वाब था कि मेरा बेटा? नहीं, दरअसल वो गांव में आज भी एक मानसिकता है, और मुझे लगता है वो आज भी है और आगे भी रहेगी, कि पहले तो आपको पता ही नहीं होता कि जिंदगी में करना यस क्या है। आपने हाई स्कूल कर लिया, फिर आपने इंटरमीडिएट कर लिया, फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, और उन्हें दुनिया में सिर्फ दो नौकरी समझ में आती है, पहली ये कि डॉक्टर बन जाइए आप, MBBS कर लीजिए, दूसरा या तो फिर IAS बन जाइए, UPSC कर लीजिए। इन दो नौकरियों के अलावा गांव में आज भी किसी नौकरी को कोई नौकरी नहीं माना जाता। तो वालिद साहब चूंकि जिस प्रोफेशन से थे, तो वो चाहते थे कि मैं थोड़ा और अपग्रेड होकर के MBBS कर लूं, डॉक्टर बन जाऊं। इंटरमीडिएट तक उन्होंने बड़ी कोशिश भी की, लेकिन इंटरमीडिएट में आने के बाद, पढ़ने के दौरान मुझे समझ में आया कि मैं इस काम के लिए बना नहीं हूं, तो फिर वो उससे बिल्कुल अलग हट गया। मैं मुझे शेर व शायरी का शौक तभी था। 12वीं के बाद ही आपने लिखना शुरू कर दिया? अब मैं 12वीं के दौरान जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं कॉलेज के, उसमें जाना शुरू कर दिया था। मैं डिबेट कंपटीशन का नेशनल विनर हूँ, पोएट्री कंपटीशन का नेशनल विनर हूँ, तो उस दौरान मैं पूरे देश में जाता था, यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्कूल की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से, रेड क्रॉस के प्रोग्राम में मैं पूरा नेशनल लेवल पे जाता था, तो एक कल्चरल झुकाव मेरा था। तो वालिद साहब को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि लड़का हाथ से निकल रहा है, तो उन्होंने बड़ा दबाव डाला, बड़ी कोशिशें की, और मैं चाहता था कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करूं, लेकिन फिर एक वक्त के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं उस काम के लिए नहीं बना। डॉक्टर बनाना चाहते थे वो वो? डॉक्टर बनाना चाहते थे, फिर उन्हें लग गया कि डॉक्टर नहीं बनेगा। डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा ये तो इंटरमीडिएट के दौरान तय हो जाता है देश में, क्योंकि आप उसके बाद नीट करेंगे नहीं करेंगे या पढ़ने में कैसे हैं। फिर जब मैंने उनसे छुप करके, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का BA के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए मैंने एंट्रेंस दिया, और मेरा ख्याल है कि मैं उस दौरान बहुत कम बच्चों का एडमिशन हुआ था, तो मेरा एडमिशन हो गया, और जब मैंने उन्हें ये खबर दी तो खुश होने के बजाय वो बड़ा मतलब सदमे में चले गए। उनको लगा कि अब एक तो पहली बात 80 किलोमीटर दूर जाएगा पढ़ने के लिए, अकेले रहेगा, छोटा सा था मैं, और फिर उनका ख्वाब भी टूट रहा था कि मैं MBBS करने नहीं जा रहा था बल्कि मैं BA करने जा रहा था, तो बड़े बुझे मन से उन्होंने हामी भरी, अम्मी ने उनको मनाया, तो वो तैयार हुए, और फिर मैं इलाहाबाद आया, तो एक साल तो शहर में खुद को एडजस्ट करने में लग गए। हम तो गांव से आए थे, मतलब शर्ट भी नहीं पहनते थे, हम तो बुशर्ट पहनते थे, पैंट और बुशर्ट वाले जमाने से निकल करके सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो पूरा कॉक्सफोर्ड है जी वहां आ गए, और वहां एडजस्ट करने में, अपने आप को ढालने में साल 1.5 साल तो यूं गुजर गए कि पता ही नहीं चला। एक से बढ़कर एक वहां छात्र होता है, हाँ, वहाँ हर मतलब हर मिजाज का, हर हर मिजाज मिजाज का, का। वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे फिराक गोरखपुरी जैसी शख्सियत, जहाँ पे हरिवंश राय बच्चन, जहाँ पे निराला, जहाँ पे महादेवी, तो इतने बड़े बड़े नाम जिसके सीनेट हॉल में फैज ने, फराज ने, मजरूह ने, किसने शायरी नहीं सुनाई होगी,
वो चकाचौंध जो थी ना, उसने मतलब उसमें ढलने के लिए आपको तारतम्य बिठाना पड़ता है। कैसे खड़े हुए इमरान साहब, बड़ा बड़ा मुश्किल हाँ, काम कैसे है। खड़े हुए, मतलब बड़ी शानदार सी कहानी है। मुझे लगता है आज भाई के हम जैसे लोग या हमारे जैसे लाखों लोग हैं इस देश में, वो खुद से कुछ नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ताकत है, एक जिसे आप कुदरत कहते हैं, तो पहला चैलेंज है ना, ये कितना बड़ा बहुत चैलेंज बड़ा रहा चैलेंज। मैंने कहा ना, मैं बुशर्ट वाले, मैं है। शर्ट भी नहीं पहनता था, मैं बुशर्ट और पैंट वाले जमाने से निकल करके आया था। मुझे याद है कि मैंने हाई इंटरमीडिएट तक मैंने जीन्स नहीं पहनी थी। मैं ऐसी जगह पैदा हुआ था, ऐसे गांव में पैदा हुआ। मेरा एक पुराना और गांव है, मतलब बाद में वालिद साहब जहाँ आकर के कस्बे में रहने लगे बच्चों की पढ़ाई और सबके लिए, जो पुश्तैनी गांव है वहां तो 2012-13 में बिजली आई। मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ। कितना मतलब कितना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होता होगा ऐसे किसी माहौल में पैदा हुए बच्चे के लिए बिना किसी सपोर्ट के। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब 12-13 में जहाँ बिजली आई, वो इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं जो डिजिटल वर्ल्ड के स्टार हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आया तो कुछ पता नहीं था, मतलब मेल आईडी बनाना नहीं आता था। कैफे, तब तो कैफे का जमाना था, मोबाइल तो था ही नहीं, बहुत धीरे धीरे मल्टीमीडिया मोबाइल आ रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, और इस शिद्दत में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको बहुत एक शेप देती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको देश भर के लोग मिलते हैं, और फिर अगर आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट या किसी विधा की तरफ है तो फिर आप अपनी पसंद के लोग ढूंढ लेते हैं। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 2003-04 में मुझे धीरे धीरे पहचान देनी शुरू की। 5-6 में आते आते यूनिवर्सिटी में पॉपुलर हो गया, यूनिवर्सिटी पहचानने लगी। और उसके बाद 2008 में मैंने जर्नलिज्म किया, पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने हिंदी साहित्य से परास्नातक किया, तो वो भी बड़ा रोचक था। एक मानसिकता देश में डेवलप है ना कि मुस्लिम बच्चा है तो उर्दू से करेगा, वो हिंदी माध्यम में कहाँ जाएगा या हिंदी सब्जेक्ट कहाँ चुनेगा। तो मेरे लिए भी बड़ी प्रश्नवाचक आंखें जो है ना वो रहती थी यूनिवर्सिटी में, कह रहे इमरान नाम है, आप हिंदी से एमए कर रहे हैं, तो अच्छा वो बड़ा चौंकाता था। लेकिन एज ए कवि, एज ए पोएट मैं पॉपुलर हो चुका था। फिर छोटे छोटे कवि सम्मेलन होते थे, मैं उनको सुनने जाता था। वालिद साहब का शौक था, वो सुनते थे मुशायरे, तो मैं उनके साथ प्रतापगढ़ में खूब मुशायरे सुनने जाता था। वहां से मुझे शौक पैदा हुआ और मुझे लगा कि ये जितने बड़े नाम हैं, बशीर बद्र उस वक्त आते थे, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, हिंदी के सुरेंद्र शर्मा, हरिओम पवार, इन सारे लोगों को मैंने जमीन पे बैठ के सुना है। तो मुझे लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ। ये जो इमरान साहब पहली लाइफ थी आपकी, कॉलेज वाली लाइफ, इसमें आपने चूंकि साहित्य का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है एक्चुअली यूनिवर्सिटी हाँ, को, इलाहाबाद हाँ यूनिवर्सिटी साहित्य का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, और साहित्य की ये था आपकी जो कला थी, आपकी जो विद्या थी साहित्य की थी, तो वहाँ पे उन लोगों के बीच में जिन इलाहाबाद के लोगों को लगता है कि वहाँ के, खासकर वहाँ के स्टूडेंट्स को लगता है कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके बीच में आप आए, उनके बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ी, आप हीरो बन गए, आप वहाँ लगातार बढ़ते रहे, डिबेट कंपटीशन आप वहाँ से जीतते रहे, हाँ। तो कोई किसी उस समय का वो जो सिनेरियो था ऐसे लोगों के बीच में जो अपना आपको श्रेष्ठ समझते थे और उनके बीच में गांव से आया लड़का वो धीरे धीरे स्टार बन गया, तो क्या पहले दौर का विरोध नहीं शुरू हुआ या किसी प्रकार से? वो बिल्कुल, वो यूनिवर्सिटी में ही, वो कहीं ना कहीं आपको जब आप गांव से आते हैं, वो शकील शाहिद जमाल का शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं, और मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा जर्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। तो आप जब एक एक अपनी एक सोच लेकर के आते हैं यूनिवर्सिटी में और फिर अपनी उस सोच पर कायम रहते हुए कामयाबियां हासिल करते हैं, तो विरोध, तो शुरुआती विरोध तो आपको अपने बीच में ही झेलना पड़ता है ना। यूनिवर्सिटी के वो लड़के जो जिसको आप एलीट कहते हैं, एलीट जी परिवारों से आए हुए बच्चे, उनको तो मैं उन जैसा लगता ही नहीं था ना। वो तो आज तक भी आपको झेलना पड़ता है, वो दुनिया ऐसी है कि आपको झेलना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि गांव से आया हुआ लड़का वो दुनिया में हर वो काम कर सकता है जो जो कोई नहीं कर सकता। हीरो कैसे बने आप? कुछ लोगों के हीरो भी तो बन गए होंगे ना आप यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी की लाइफ तो बड़ी मजे की। रिटायलेशन भी तो होता है। वो आप देखिए, होता कि यूनिवर्सिटी में खूब सारे फंक्शंस होते थे, तब छात्र संघ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बहुत मतलब बड़ा पूरे उसका देश में बड़ा उसका एक, सम्मान है, हाँ बहुत बड़े बड़े लोग उस छात्र संघ से निकल करके आए। अच्छा, वो आपको एक एहसास, जैसे आप इलाहाबाद में कॉफी हाउस जाएं,
आप जब कॉफी हाउस पे बैठेंगे तो आपको पता चलेगा, लोग बताएंगे, कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं कि यहाँ नेहरू जी बैठ के कॉफी पीते थे, मोतीलाल नेहरू जी बैठ के कॉफी पीते थे, यहाँ फिराक गोरखपुरी कॉफी पीते थे, मतलब इतने बड़े बड़े नाम, लाल बहादुर शास्त्री यहाँ आए हैं, चंद्रशेखर जी यहाँ आए हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वो आपको अंदर से बहुत मजबूत करती है। आपको लगता है कि नहीं यार, ये जितने बड़े नाम है जिन्होंने देश पे हुकूमत की है या किसी भी फील्ड में जिन्होंने शिखर को छुआ है, आप वहीं तो बैठे हो, आप भी कर सकते हो, वो एहसास आपको बड़ी ताकत देता है। दूसरी बात ये कि जब आप गांव से आए होते हैं और आपके पास कुछ नहीं होता, कोई कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई आपको आगे ले जाने वाला कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता, कुछ किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं होता, आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, आप शहर आ गए हैं पढ़ने के लिए, बमुश्किल आप यूनिवर्सिटी आते जाते पैदल या टेम्पो में, ऑटो भी क्या उसको टेम्पो ही बोलिए, उस समय तो टेम्पो ही हुआ करता था, आप आते हैं तो फिर आपके पास जीतने के लिए पूरी दुनिया होती है और गंवाने के लिए कुछ कुछ नहीं, नहीं होता। यस, तो वो जो जीतने की जिद है ना, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे दुनिया जीतना है और अपनी विधा से जीतना है, देखिए मेरा अपना मान, जब मैं आया तो शुरू में आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, होता है। वहां तो लड़के आधे से ज्यादा तो अंग्रेजी में बात करते हैं, आप गांव से आए हैं, मैं तो हाई स्कूल आकर के तब सही से खड़ी हिंदी बोलना शुरू किया, वरना तो खड़ी हिंदी बोलने में टांगे कांपती थी, तो हम ऐसे माहौल से आए थे, लेकिन फिर आज उसी बोलने ने आपको पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, पूरी दुनिया में। 2012 में पहली बार जब मैं जिद्दा मुशायरे में गया और मैं खड़ा हुआ पढ़ने के लिए माइक पर, और अगले एक घंटे बाद जो ऑडिटोरियम था जिसमें 2500 हिंदुस्तान के क्रीम लोग बैठे थे, वो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे, मेरे लिए खड़े होकर 5 मिनट तालियां बजा रहे थे, तो मैं फ्लैशबैक में था, मैं सोच रहा था कि मैं वही हूँ जिसे हाई स्कूल तक खड़ी हिंदी बोलने में जिसके पैर कांपते थे। तो एक कोई ताकत होती है जो जिसने तय किया होता है कि आपको कहीं ले जाना है, आपसे काम लेना है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जो है खुदा जो है इंतखाब करता है लोगों का, चुनता है कि किससे क्या काम लेना है, वो शायद उसे मुझसे कुछ काम लेना था इसलिए मुझे वो मुशायरों में ले आया, मुशायरों में कि उसकी जो सियासत थी उस सियासत से जूझना लड़ना और वहां अपनी जगह बनाना। लोग कहते थे प्रतापगढ़ में कहाँ शायर होते हैं, शायर तो आजमगढ़ में, शायर तो रामपुर में, शायर तो अलीगढ़ में, मतलब कुछ रवायत दिल्ली में, लखनऊ में, प्रतापगढ़ में कहाँ शायर होने लगे। ये मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे उन्होंने मुझसे एक बार बड़े तंदिया लहजे में ये बात कही थी, कहाँ प्रतापगढ़ में शायर होने लगे। तो मैं वो सब झेल कर आगे आया और आज दुनिया पहचानती है, तो खुश हूँ, अपने संघर्ष को याद करता हूँ तो बहुत हंसता हूँ और बड़ा बड़ी ताकत मिलती है। मुझे लगता है इसीलिए कुछ भी खोने से डरता नहीं हूं क्योंकि सब कुछ खुद बनाया है, तो अगर कुछ खोएगा भी तो फिर मेहनत करेंगे, फिर बनाएंगे। नहीं इमरान साहब, ये तो आपने बताया ज़द्दा वाली बात, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात बिल्कुल नहीं जानते हैं कि पहली बार आप जो है वो मुशायरा आपने पढ़ा कहाँ। देखिए वो एक लंबी कहानी है, कहानी इस तरह से कि हमें तो एक वक्त पे आज भी ऐसा लगता था कि कोई मंच मिल जाए, वो किसी का भी मंच हो, हम चढ़ें, अपनी प्रतिभा दिखाएं, तालियां बटोरें, कुछ पैसे मिलते थे, पैसे मिले और हम अगले सफर पर निकले। तो यूनिवर्सिटी में किसी का भी मंच लगता था, मैं लोकप्रिय था तो खड़ा कर दिया जाता, बस आपको लगता था कि भाई अच्छा, मुझे भी लगता था कि मुझे मंच का इस्तेमाल करना है, अपनी प्रतिभा को दिखाना है, मैं उस मंच पर खड़ा हो जाता था, वो एनएसयूआई का हो, आईसा का हो, किसी का भी मंच हो, उस समय तो कुछ पता भी नहीं था ना, हमें तो वाम पंथ, दक्षिण पंथ और सेंटर ये सब तो कुछ पता नहीं था, मतलब सामान्य मुस्लिम परिवार से आया हुआ लगता था, तो खुद को एक्सप्रेस करना था, खुद खड़े हो जाते थे और महफिल लूट के निकल लेते थे। अच्छा वो परंपरा थी कि थोड़े इनाम मिल जाते थे, वैसे तो मानदेय मिलता नहीं था, इनाम मिल जाते थे, लोग किसी ने 500 रुपए इनाम दिया तो किसी ने फिर उनसे 100 रुपए बढ़ा के इनाम दिया, तो 2-4-5 हजार रुपए मिल जाते थे और फिर वो दोस्तों के बीच में खर्च होते थे और राजा होते थे, वो जो 2-4 हजार होते थे वो आपको बादशाह फील कराते थे कि आपकी जेब में अगर 2000 रुपए हैं उस वक्त तो आप बहुत बड़ी चीज है। बहुत जब मुझे याद है कि 2007-8-9 में जब कवि सम्मेलनों में जाना शुरू किया मैंने, तो जो पत्र आते, पहले तो पत्र आते थे, पहले तो फोन उनका जमाना था नहीं, तो पत्र आते थे पोस्ट कार्ड, और उसमें लिखा रहता था कि आपका मानदेय 500 रुपए और एक शॉल है। अच्छा ढेर सारी शॉल हो जाती थी,
और फिर वहां जाओ और एक नई ऑडियंस से मुलाकात। मेरा मतलब मेरी आवाज ठीक थी, स्वर अच्छा था, हिंदी साहित्य से एमए कर रहा था मैं, तो मैं हिंदी की कविताएं लिखता था, हिंदी के गीत लिखता पहले था। आपने हिंदी की कविताएं पहले पढ़ी? हिंदी की खूब कविताएं पढ़ी मैंने, खूब कवि सम्मेलन पढ़े इस देश में, और मैंने देखा कि कवि सम्मेलन सुनने के लिए हजारों हजार लोग आ रहे हैं, मुशायरा सुनने के लिए हजारों हजार लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। और फिर मैंने मुद्दों की शायरी शुरू की और उसके बाद धीरे धीरे पहचान बनती चली गई। पहली बार मुझे याद है प्रतापगढ़ में कवि सम्मेलन पढ़ा था मैंने और मुझे 100 रुपये मिले थे, और मुझे अपने घर से 7 किलोमीटर मेन रोड पे आकर के, जैसे होता है ना एक कस्बे से आपको एक हाईवे कनेक्ट करती हुई एक रोड होती है जहाँ सवारियाँ कम मिलती हैं, जीप चलती थी वो, और बस एक आध बस छोटी बस चलती थी, टेम्पो चलते थे। तो मुझे याद है कि उस दिन मुझे टेम्पो नहीं मतलब सवारी नहीं मिल पाई थी, तो मैं साइकिल से वो 7 किलोमीटर आया था, और वो 7 किलोमीटर वाली जगह पे हमने अपनी साइकिल खड़ी की थी, और फिर हमने बस पकड़ करके जाके वो कवि सम्मेलन पढ़ा था। और जब लौट के आ रहे थे तो हमारी जेब में 100 रुपये थे, और जिसमें से थोड़े से किराए में खर्च हुए थे, तो लौट के आए, वो पहली कमाई थी जिंदगी की, और बड़ी हाँ, खूबसूरत, बड़ा एहसास प्यारा था वो। उन 100 रुपये से आज जिंदगी यहाँ पहुंची है, तो अच्छा लगता है, खुश होता हूँ। तभी कभी लगा था कि जैसे कि हम मैं सदन में जाऊंगा या मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, उस समय मतलब कभी कोई रहता है किसी एक के मन में एक ख्वाब? 2006 में मेरे यहाँ कवि सम्मेलन था प्रतापगढ़ जी में, आखिर तक रुकता था मैं कार्यक्रम खत्म होने तक। तो मैंने देखा कि बशीरपत साहब, हरिओम पवार जी, सुरेंद्र शर्मा जी, इस तरह के जो बड़े नाम थे उर्दू मुशायरों के, बड़े नाम हिंदी के, वो लौट रहे थे। लोग उनसे, तब तो फोटोग्राफ सेल्फी का जमाना था नहीं, मोबाइल था ही नहीं, ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़े, मैं भी ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ा। तो मैं करीब पहुंचा तो अंदर से मुझे एहसास हुआ कि यार ऑटोग्राफ देना है तो फिर लेना क्या, हाँ और फिर मैं ठहर गया। और उसके बाद जो है 2008 में सब टीवी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था वाह वाह, तो मैं जर्नलिज्म कर रहा था उस दौरान, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहा था, तो मुझे बुलाया गया और मैं उस कार्यक्रम में गया, तो 2200 रुपये मिले थे उस कार्यक्रम के लिए, और टीवी पे आए थे पहली बार। तो वो जो है, ये तो लगता था कि हाँ कुछ बड़ा करूंगा, मेरी जो विधा है, मेरा अपना मानना है कि आप बहुत, और तमाम नौजवान साथियों के लिए मेरी सलाह भी है, अगर इमरान प्रतापगढ़ इस देश की संसद में पहुंच सकता है तो इस देश का कोई भी लड़का इस देश की संसद में पहुंच सकता है, कोई भी आम से आम आदमी इस देश की संसद में पहुंच सकता है, मुझसे आम आदमी आप ढूंढने पे भी नहीं पाएंगे मैं जहां से आया हूं। ये जब आपने वो एक नज़्म पढ़ी मदरसों पर, जो नज़्म पढ़ी उसने आपको अपार लोकप्रियता दी, हाँ 2011-12 के दौरान वो नज्म हुई थी मुझसे। उसके बारे में जरूर लोग जो हैं हाँ नहीं, मैं वो वो एक्चुअली वो दौर ऐसा था हिंदुस्तान के पूरे सिनेरियो को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मदरसों को बहुत टारगेट किया जा रहा था। हालांकि मेरी मदरसों की कोई पढ़ाई नहीं थी, मैं तो मतलब नर्सरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके कॉलेज आ करके यूनिवर्सिटी आया था, तो मेरा तो कोई सिलसिला नहीं था वहां पढ़ाई, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो वालिद साहब के दोस्त थे और मदरसा चलाते थे, आते थे, बैठते थे मदरसे के फंक्शंस में, वालिद सोसाइटी से साहब आप की किस सोसाइटी, मतलब? सोसाइटी का पेन जो है वो आप तक जब आता है तो वो उस पर बातें होती थी, तबसरा होता था। तो आज इस मदरसे से कोई उठा लिया गया, कल उस मदरसे से कोई उठा लिया गया, एक माहौल पूरे देश में बना हुआ था और कोई बात करने को तैयार नहीं था। तो मुझे याद है कि मैं कवि सम्मेलन पढ़ता था और 2011 में कोई मुशायरा था और उस दौरान मैंने ये नज्म ये कही याद है थी। आपको पहली बार कहाँ किस जगह हाँ पहली पढ़ा? बार मैंने इसे प्रतापगढ़ के एक मुशायरे में पढ़ा था, उसमें बहुत पॉपुलर नहीं हुए, जैसे होता ना कि एक आपने मुशायरा पढ़ा तब तो ना तो टीवी चैनल, YouTube का ना ये तो यूट्यूब का जमाना, ना तो मोबाइल का जमाना, बड़ी कैसे ये जो ये बड़ी ऐसे कि मैंने वो कार्यक्रम पढ़ा, उसमें मुझे 500 रुपये मिले थे और मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, जी मत जोड़ो आतंकवाद का नाम नाम मदरसों मदरसों से। से। मेरा तलफ्फुज अच्छा नहीं था क्योंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से आया था, तो तलफ्फुज में कहीं कहीं चूक जाता था, तो उर्दू के पीछे जो शायर बड़े बड़े बैठे थे उन्होंने बड़ा पीछे से तंज भी किया, लेकिन मैंने वो पूरी नज्म पढ़ी और बड़ी दाद मिली, बड़ी दुआएं मिली मुझे। वहीं बैठे हुए किसी शख्स ने मुझे 4-5 दिन बाद अप्रोच किया किसी के थ्रू, मैसेज भिजवाया,
क्या मुंबई में एक कवि सम्मेलन मुशायरा है, उसमें आपको जी बुलवाना है। तो मैं उसमें, मेरे लिए बड़ी बात थी, मैं उसमें गया और उसमें हिंदुस्तान के हर बड़े शायर जो भी मौजूदा वक्त के थे उस वक्त, सारे लोग थे उसमें शायर। और मुझे 8,000 रुपये पेमेंट, मतलब सीधे 500 से आप 8,000। तो गया मैं उसमें और मुझे याद है कि मुझे 6वें 7वें नंबर पे बुलाया गया उस। तब तक मैं जा करके वो वही पैंट और बुशर्ट पहना हुआ लड़का चुपचाप बैठा हुआ, और लगता था पता नहीं कब नंबर आएगा, कब बुलाएं, कोई नोटिस भी नहीं ले रहा था मुझे। मतलब उस वक्त तक मैं इतना पॉपुलर नहीं था, और जितने बड़े नाम थे सारे बैठे थे, तो सब उन्हीं के आसपास सारा कुछ, सारा आकर्षण उन्हीं पे था, फोकस था। और 6वें या 7वें नंबर पे बड़े ऐसे आसान से लब्जों में नाजिम ने मुझे बुलाया कि प्रतापगढ़ से एक लड़का आया है, आप उसे सुनिए, अच्छा पढ़ता है। और मैं खड़ा हुआ और मैंने सीधे जो है मदरसों पे नज़्म कहनी जो कही थी वो मैंने पढ़नी शुरू की। और आज भाई अगले 15 मिनट बाद बस लोगों के, मतलब लोगों की मालाएं थी, मैं था, वो हुआ जो मुशायरों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आपका स्टार्टअप हो गया, मतलब बड़ा स्टार्टअप। मुशायरों के इतिहास में शायर आकर के शेर पढ़ता था जी, और सलीके से लोग दाद दे देते थे, ठीक है, ताली भी नहीं बजाई जाती थी, ताली तक बजाना जो है ना वो गलत माना जाता था, माला वाला पहनाना तो बड़ी दूर की बात थी, स्टारडम की शुरुआत कर दी, स्टारडम नहीं था मुशायरों में। और फिर लोगों ने जो मालाओं से लादा है मुझे, और उसके बाद फिर देखने वालों ने ये भी देखा कि लोगों ने मुझे कंधे पे उठाया है स्टेज से, और फिर तकरीबन 1 किलोमीटर 800 मीटर तक जहाँ गाड़ी थी वहां तक लोग कंधे पर लेके आए और जिंदाबाद के नारों के साथ। और मेरे बाद फिर कोई शायर पढ़ नहीं पाया उस मुशायरे में, वाह, मतलब किसी को किसी ने नहीं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, इसके बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ, नहीं उसके बाद बारहा ऐसा हुआ जहां मैं जिन मुशायरों में रहा ऐसा तो रोज होने लगा, होने लगा, फिर इतनी मुखालफत बढ़नी शुरू हो गई। इसलिए आप दूसरे शायर हजरत जो अपना आपको बहुत बड़ा नाम जिनका था, उनकी आंखों में आप थोड़े से चुभने लगे। नहीं, बहुत ज्यादा चुभने लगा शुरू में, 1-8 साल तो उन्होंने बर्दाश्त किया, फिर उसके बाद उन्होंने हर तरह से, मतलब जो मुशायरों की राजनीति, जैसे मैं आज राजनीति में आके बहुत चीजों से घबराता नहीं हूँ, बहुत लोड नहीं लेता हूँ, जब सियासत होते हुए देखता हूँ, अपने साथ भी सियासत होते हुए देखता हूँ, तो बहुत ज्यादा इसलिए परेशान नहीं होता क्योंकि मैं मुशायरों की सियासत झेल के आया। और मतलब सिर्फ झेला नहीं, मैंने मुझे, मैं वो बहुत मजे का वाकया बता रहा हूँ कि आजमगढ़ में एक मुशायरा था, कौरा गहनी एक जगह है, पहली बार मुझे बुलाया गया था, बड़ा मुशायरा था, मेरा तलफ्फुज खराब था, मैं तलफ्फुज सही नहीं था पूरी तरह, अब धीरे धीरे ठीक हो गया है, सीखा मैंने। तो मैं पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और पीछे हिंदुस्तान के मुशायरों के उस वक्त के सबसे बड़े शायर बैठे हुए थे, और मेरा एक जगह तलफ्फुज गड़बड़ हुआ जी। अच्छा, उर्दू वाले मुझे अपना नहीं मानते थे क्योंकि मैं हिंदी से आया था ना, और हिंदी वाले, और हिंदी वाले मतलब तभी तक जो हिंदी कवि सम्मेलनों का जो गणित था उसमें यह था कि आप संस्कार भारती जो है ना, आरएसएस का जो एक लिटरेरी विंग है, वो कवि सम्मेलनों का बड़ा इस्तेमाल उन्होंने राजनीतिक तौर पे किया है, जिसको समझा नहीं देश ने, और उन्होंने अपनी वैचारिकी घुसड़ने के लिए जहनों में उसका बड़ा इस्तेमाल किया। तो आप वहां जहां तक फिट होते हैं वहां तक आप अपने माने जाते हैं, उसके बाद फिर आप खलने लगते हैं। उर्दू मुशायरों में भी यही मेरे साथ हुआ, और पीछे से बैठे हुए शायर ने, वो मेरे जुमला आज भी मेरे कान में है कि कहां कहां से बहुत खराब लफ्ज उन्होंने बोला आ जाते हैं, मेरे पांव कांप गए थे। और मुझे याद है कि मैंने किसी तरह वो अपनी पूरी नज्म पूरी की थी, गीत पढ़ रहा था मैं, और फिर मैं चुपचाप बैठ गया था, मुझे पूरे पैसे भी नहीं मिले थे जितना कहा गया था, और फिर मैं वहां से लौट के आया बहुत मायूस। एक लॉबी बन गई थी जो आपको, एक लॉबी पहले से थी, हमेशा से, मौका उसे मिल गया, हमेशा से रही है। मैं वाहिद हिंदुस्तान का शायर हूँ जो उस किसी लॉबी में शामिल नहीं हुआ, जो अपने आप में एक लॉबी बन गया। मतलब मैंने कभी कोई लॉबी बनाई नहीं, लेकिन अपने आप में एक पहचान ऐसी बन गई कि फिर मैं उस सबसे ऊपर उठ गया। हुआ ये आज भाई कि मैं उस मुशायरे से आया और मैंने अपने आप को बहुत, मुझे लगा कि मुझे जलील किया गया, मैं ऐसा फील हुआ। फिर मैंने अंदर से सोचा कि नहीं यार, ठीक है, ठीक हुआ जो हुआ, एक दिन इस इंडस्ट्री पे बादशाहत करनी है। और फिर मैंने 6-7 महीने मुशायरे नहीं पढ़े,
मैंने मुशायरों का जो पूरा गणित था, जो मुशायरों की पूरी सियासत थी, जो मुशायरों का पूरा कल्चर था, उसको समझा, सुना। तब वो कैसेट्स आती थी रील वाली, 20 रुपए की, 30 रुपए की। मैं खूब सारी कैसेट्स खरीद के लाया, मैंने सबको सुना। और फिर उसके बाद मुझसे मदरसे वाली नज़्म हुई। वही कहता ना, किसी को काम लेना होता है आपसे, खुदा को जो काम लेना होता है वो चींटियों से काम ले लेता। फिर मुझसे मदरसे वाली नज़्म हुई, और उस एक नज़्म ने, दूसरी बार जब मैंने उस नज़्म को पढ़ा तो कयामत बरपा हो गई जी. मुशायरे। वही सारे शायर वहां बैठे हुए थे, और वही वो जमाना था जब मल्टीमीडिया मोबाइल हमारे हाथ में आ रहे थे, ब्लूटूथ से ऑडियो शेयर होते थे। और उस एक मुशायरे का वो ऑडियो कब पूरे हिंदुस्तान में फैल गया मुझे खुद भी नहीं पता अल्लाह चला। जिसको चाहता है इज्जत अल्लाह दे. गुमनाम शोहरत कैसे देता है वो मैंने, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में उसको देखा है। लोग, मैं ट्रेनों में सफर करता था या कहीं जाता रहता था, मेरे सामने बैठ करके, चूंकि वीडियो शेयर नहीं होता था, जी ऑडियो शेयर होता था, तो वो ऑडियो में मेरी नज्म सुनते रहते थे, और मैं सामने बैठता था, मुझे पहचानते भी नहीं थे। ये गुमनाम शोहरत आपने मैंने, कभी बताने की कोशिश की? मतलब बात है, तो कितना बर्दाश्त करोगे आप, बताओगे कि मैं तो जाहिर सी बात है कि मैं पहले सुनता था, फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करता था, आप मिले कभी शायर से? तो बोले नहीं यार, नया लड़का है, क्या पढ़ता है, एकदम तो मुशायरा उलट के रख देता है, ऐसा है वैसा है। बोला लोग, ये तो बड़ी बढ़िया बता रहे बड़ी मजे की बात है। तो मैं हंसता था। फिर मैं, तो हैं. आप कौन हैं? तो मैंने कहा, मैं भी छोटा मोटा शायर हूँ, क्या नाम है आपका? तो मैं अपना नाम, अरे तो आपकी नज्म है? मैंने कहा हाँ, मेरी नज्म है। तो वो लोगों के जो एक्सप्रेशंस बदलते थे, जो मोहब्बतें, फिर वो हर मुशायरे में ऐसा होने लगा। और मैं, मुझे याद है सहारनपुर में एक मुशायरा था, मेला होता है वहां, देवबंद में एक मेला था, और मेला मैंने, मेला गोवाल क्या कहते हैं वो उसको? तो सहारनपुर में अच्छा होता सर. है, ये देवबंद में एक काली माँ का कोई एक उत्सव होता है, अच्छा उसमें ठीक है. उस मेले में मैं गया, कभी मेले मुशायरे में, और मदरसे की नज्म आप देवबंद में पढ़ देवबंद में पढ़ना, देवबंद में सेंट्रल पढ़ना, यूनिवर्सिटी है दारुल तो आप उलूम. अंदाजा लगाओ। और उसके बाद वो दारुल उलूम के बच्चे, और फिर मतलब ऐसा हुआ है भाई कि उसका उसका तो वीडियो, उस समय तक वीडियो रिकॉर्डिंग जी. होने लगी थी, आज भी यूट्यूब पर है, आप देखिएगा कि वो 10 मिनट की, 8 मिनट की नज्म तकरीबन पढ़ने में मुझे 40 मिनट लगा था, क्योंकि मैं एक बंद पढ़ता था और उसके बाद 50 आदमी माला लेके पहना। ये मुशायरों में कभी नहीं होता था, सारे बड़े शायर स्टेज पर बैठे हुए। पता चल रहा है कि वो जो ऑडियंस आ रही है वो जज्बात में आ रही है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई गले लगा ले रहा है, कोई कंधे पे उठ, ये पढ़ने के दौरान हो देवबंद के तो बहुत शायर ऐसे हैं जो अपना आपको जो है बहुत बड़ा शायर समझते हैं, उनको तो बहुत मतलब अजीब लग रहा होगा. अरे अच्छे अच्छे शायर हैं देवबंद में, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े नाम है सारे लोग। अब वो एक्चुअली मतलब किसी भी इंडस्ट्री में, मैं उसको कभी बुरा नहीं मान। अच्छा, बहुत सारे मेरे जो वेल विशर थे वो कहते थे कि उन्होंने आज आपके बारे में ये कहा, उन्होंने आपके बारे में ये कहा, तो मैं बुरा नहीं मानता था। ये मतलब स्टार्डम स्टार्डम को तकलीफ दे रहा था कहीं से कहीं. हाँ, मतलब बहुत सारे शायरों के साथ ये था कि उन्हें मेरे ऊपर बरसते हुए फूल अच्छे नहीं लग रहे थे, मेरे लिए बजती हुई तालियां अच्छी नहीं लग रही थी। आप कल का कंधे, कल का आप कंधे पे उठ, कल का कल का कल का लोडा लोडा कल का लोडा आप कंधे पे उठ करके आ रहे हो स्टेज पर, और कंधे पे उतार करके, और कंधे पे नारों के साथ लोग आपको ले जा रहे हैं, और ये हर दिन हो रहा है, मतलब हर दूसरी तीसरी चौथी रात जो है यही मंजर हो रहा है। फिर 2 साल तो लोगों ने बर्दाश्त किया, फिर मेरे साथ पढ़ने से मना कर दिया, मेरा नाम इमरान प्रतापगढ़ी रहेगा तो हम नहीं आएंगे। अच्छा, लॉबी थी ही, 2-3 लॉबी थी, दो नुकसान तीन हुआ बड़े आपको इसका? बड़े शायरों की लॉबी थी। नहीं, नुकसान होता उसका मुझे, लेकिन मैं उससे निपटा कैसे मैं बताऊं? या वेरी नाइस के मैं समझ गया था कि ये होगा मेरे साथ। अच्छा, मैंने फिर अपना स्टार वैल्यू बनाने के लिए, मेरी कोई मार्केटिंग तो थी नहीं कि कोई टीम मेरी मार्केटिंग करती, तो मैंने अपने आप को महंगा किया। जब आपको ये जान के हैरत होगी कि जिस वक्त हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों का सबसे बड़ा कवि 1 लाख रुपए मानदेय लेता था, उस वक्त उर्दू मुशायरों का सबसे बड़ा शायर 15,000 रुपए पे अरे मानदेय, बड़ा ये फर्क बहुत था, बड़ा अंतर है, इतना बड़ा फर्क था। अच्छा, मैं कवि सम्मेलन पढ़ के आया था, तो मेरी शुरुआत ही 10,000 से 15,000 से हुई थी। जब मैं मुशायरों में आया और मैंने यहां देखा कि यहां तो जो सबसे बड़ा शायर है वो 15,000 मांग रहा है, तो आप तो 5,000 और 4,000 के शायर हैं। मतलब जिस वक्त मैंने मुशायरों में पदार्पण किया तो बंबई लोग पढ़ने 2-2 हजार में चले जाते थे, क्या अप एंड डाउन 500 रुपए किराया, कुछ लोग तो खाने पे चले जाते थे। हाँ, मतलब हमारे यहाँ उन्नाव में औधी का एक हिंदी का कवि बेचारे, उन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा शेर है औधी का उनका, कि जी कवि जी तुम पढ़े हो लिफाफा के फिराक में,
कईयो कभी तो कविता पढ़ रहे हैं खाने खुराक में। तो वो था। फिर मैंने सबसे पहली बात तो अपने आप को, मैंने दो तीन चार मुशायरों के बाद जब मेरा स्टार वैल्यू बनी तो मैंने अपना पेमेंट जस्ट डबल, तीन गुना चार गुना कर दिया। उससे हुआ क्या कि आप अच्छे मुशायरों में ही आपको बुलाया जाना, लोग आपको अफोर्ड कर पा रहे हैं। और बहुत ज्यादा अपने आप को लोगों के बीच में, जब आप जैसे कुछ बड़े स्टार्स हैं वो साल में एक फिल्म बनाते हैं, वो एक मनोविज्ञान है। तो मैंने कोई मनोविज्ञान पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये बाजार है और इस बाजार में आपको टिके रहना है तो आपको एक ही स्ट्रेटेजी तो अपनानी पड़ेगी। गुड। तो मैंने वो किया। उससे हुआ क्या कि अच्छा, इतना तब तक सोशल मीडिया, ऑरकुट, फेसबुक, ये सब शुरू हो चुका था ना, धीरे धीरे शुरू हो रहा था, वीडियो शेयर होने लगे थे, कि आयोजकों पे इतना दबाव बनता था कि एक लॉबी तो आ रही थी शायरों की, लेकिन आयोजकों से कहा जाता था कि भाई किसी को भी बुलाओ लेकिन इस लड़के को जरूर बुलाओ। तो जो चंदा देने वाला, आज भी कवि सम्मेलन मुशायरे का पैटर्न यही गांव में ठीक है कि चंदे से कार्यक्रम होता है, तो 15-20 लोग जो चंदा दे रहे हैं वो कह रहे हैं अगर इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाओ यार, वो लड़का नया आया है, बहुत अच्छा पढ़ता है, तो ये है वो है, तो फिर मजबूर हो जाता है आयोजक ना, जो स्पॉन्सर्स थे उनका प्रेशर बन गया। वो मुझे जानते नहीं थे, बस वो मेरे प्रशंसक बन गए थे, एक वर्ग तैयार हो गया था। तो अच्छा, फिर मैं फेसबुक आ गया था धीरे धीरे, तो मैं अपडेटेड हो चुका था। तो मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे सपोज दैट मुझे अलीगढ़ नुमाइश के मुशायरे में जाना है कि नुमाइश का मुशायरा पढ़ना, तो मैंने अपडेट कर दिया कि मैं आज अलीगढ़ रहूंगा, अपने चाहने वालों से मुलाकात हो। तो पता चला 100-200 ऐसा एक श्रोता वर्ग आया जो कभी मुशायरे में नहीं आता था। गुड। और फिर उसने पूरे मुशायरे में उसे इमरान प्रतापगढ़ी को सुनना है। तो अगर 200-300-400 आदमी किसी मुशायरे में अलग एक शायर को सुनने आए तो उसकी स्टार वैल्यू अलग ही होगी ना। वो हुआ फिर। और मतलब इस सब में मैं ये मानता हूं कि इलाहाबाद जो है वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। इलाहाबाद की बकैती ने आपको बड़ा बनाया। अच्छा, मुशायरों में तो बातचीत सीधे शेर सुनाइए, आप कुछ नैरेट नहीं कर सकते थे। मैं कवि सम्मेलनों से आया था, वहां नैरेट ज्यादा होता है, शायरी कम होती है, तो मैं उस दोनों का मिश्रण था। और फिर मतलब वही है कि आप मुशायरों के ऑलराउंडर थे। हाँ, आप कह सकते हैं इमरान तो था ही, मैं मुशायरा। अच्छा, मैं इसमें एक मज़ेदार बात ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली मज़ेदार नहीं, वो चीज़ जो है वो आपको भी जो है वो आनंद देगी। मदरसों में गए उसके बाद आप बिना शायरी के, तो मदरसों के बच्चों ने आपको किस प्रकार का देखा? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। और देखिए, मैं आज जो कुछ हूँ, हिंदुस्तान में बहुत सारे शायर हुए, पूरी दुनिया में बहुत सारे शायर हुए, बड़े मकबूल लोग हुए, बहुत मतलब वो तो बहुत मानने लगे होंगे ना। हुआ क्या कि जैसे आपने मुद्दों पे शायरी शुरू कर दी, फिर मुझे लगा कि यार मुझे उन लोगों की बात करनी है जो हाशिए पर, जिनको मीडिया नहीं दिखाता, जिनकी खबरें, जिनके बारे में कोई भी तंत्र जो है वो बात करने को तैयार नहीं। ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, 50,000 इस देश में कुछ मुशायरे ऐसे हैं जिसमें 1-1 लाख आदमी सुनने आता है, पूरी रात बैठा है, लाइव है, आपको सुन रहा है और रिएक्ट कर रहा है। मेरा मानना है कि किसी भी इंटरटेनमेंट का, देश का किसी भी इंटरटेनमेंट के जितने प्रोग्राम होते हैं उससे ज्यादा जीवंत जो प्रोग्राम होता है वो कभी सम्मेलन मुशायरा। तो मैं मुझे लगा कि मुझे यहां खड़े होकर के मुद्दों की बात करनी, और सिर्फ मुद्दों की बात नहीं करनी। मुझे याद है कि 2015 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी, अखलाक को लिंच किया गया इस देश में, पहली दादरी हाँ, पहली लिंचिंग हुई दादरी में। और उसके अगले दिन, एक दिन बाद, जामिया में मुशायरा था। मैं पहली बार जामिया के मुशायरे में बुलाया गया था, और तब तक मैं ठीक ठाक पॉपुलर हो चुका था, मेरा मानदेय उस समय 1,000 से लाखों मतलब 1 लाख के आसपास आ चुका था। और उस केस में हमने ये देखा था कि 10 लाख रुपए के मुआवजे का या 15 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान तब तक सरकार ने किया। आसमाई में खड़ा हुआ और मैंने एक नज्म पढ़ी, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। वो जो अखलाक की बेटी थी उसकी तरफ से, और मतलब मेरे रोंगटे खड़े हैं। और अभी भी मैं फील करता हूं, पढ़ते पढ़ते मैंने ये बात कही कि सरकार ने हमारे खून की जो बोली लगाई है वो 10 लाख रुपए लगाई है। मैं अपने लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो पैसा वापस सरकार के मुंह पे फेंक के मार दिया जाए, हम इकट्ठा करके दे सकते हैं उससे ज्यादा। और मैं आज इस मुशायरे में, मेरा पेमेंट कितना है मुझे ये पता नहीं है, बड़ा पेमेंट है, पूरा का पूरा लिफाफा लेकर के मैं सुबह जाऊंगा और अखलाक के परिवार को देकर के लौटूंगा। अरविंद केजरीवाल उस मुशायरे में
एज ए चीफ गेस्ट, एज ए चीफ मिनिस्टर वो खड़े हुए और उन्होंने भी अनाउंस किया कि मैं सुबह मैं भी पहुंचूंगा दादरी। जो आप ये कह सकते हो कि जो लोग जाना शुरू हुए उस मुशायरे में मेरे इस बयान के बाद, और मैं अगली सुबह जो है वो अस्पताल गया जहाँ वो एडमिट थे और मैंने उनके बेटे को वो लिफाफा दिया। मैंने उसको न तो गिना था कि कितना पेमेंट था उसमें मेरा, और मैं दे करके वापस लौटा अरविंद केजरीवाल में। बाकी तमाम लीडर्स गए उसमें, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बना, लोगों ने बात की उसके बारे में। तो मैं मुद्दों पे खड़ा भी होने लगा। मैंने सिर्फ शायरी नहीं की कि मैं नज्म पढ़ के पेमेंट लेके घर चला जाता। मुझे जहां लगा कि मुझे यहाँ खड़े हो जाना चाहिए, एक आइडेंटिटी जब आपकी हो गई, जब मेरी पहचान और लोग आपको सुनने लगे, तब आपको लगा कि अब आपको जो है ये करना है। उसे आप कह सकते हैं कि वो एक्टिविज्म था जी, जो मैं शायरी के जरिए भी कर रहा था, और फिर जब मेरी पहचान बन गई तो मुझे लगा कि फिर इसके बीच में आपको यश भारती भी मिल गया। नहीं, इसके बाद मुझे यश भारती, इसके बाद यश भारती मुझे 2016 में मिला। 2016 में यश भारती मिला, और यश भारती ने भी पहचान दी। नो डाउट उस वक्त सरकार ने, एक बड़ा फैसला था सरकार का, क्योंकि मैं तो शुरू से सत्ता विरोधी कविताएं लिखता था। मुझे जहां लगता था, मैं अखिलेश यादव जी उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मैं मंचों से उनको भी क्रिटिसाइज करता था, लेकिन मैं उनको इस बात मूलतः कवि और शायर जो होते हैं वो तो वही, हाँ, और होना भी चाहिए, जनता की आवाज, सत्ता का अस्थाई विपक्ष है आप जी। जब आप मंच पर खड़े हैं, मैं सांसद हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं, लेकिन जब मैं बतौर शायर किसी मंच पर खड़ा हूंगा तो मेरी पहली जन पक्षधरा जो मेरी पहली जिम्मेदारी है वो जनता के प्रति है जी, और मैं उस मुद्दे पर बात करूंगा। वो मेरे अंदर का शायर वरना मर जाएगा, तो मैं वो कोशिश करता हूं। और इस सब ने धीरे धीरे लोगों का भरोसा, नजीब पर आपने पढ़ा, नजीब पे मैंने नज्म कही, और नजीब पे भी मैंने पहली बार नज्म जामिया के ही मुशायरे में पढ़ी थी। मैं किसी मुशायरे से लौटा था, तब मुझे पता चला कि नजीब नाम का बच्चा गायब हुआ है और उनकी अम्मी जो है वो JNU में प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो मुझे याद है, मैं दिल्ली आया था, मैंने ऑटो पकड़ा और मैं गया उनको देखने के लिए। मैं JNU गया, मैं उनसे मिला नहीं, बस वहाँ गया और वो प्रोटेस्ट पे थी, धरने पे थी, 10-20 लोग थे। मैंने उनको देखा, उनके दर्द को महसूस किया, वो रो रही थी। और फिर मैंने ऑटो पकड़ा और जहाँ मैं रुका हुआ था VP हाउस में मेरे दोस्त हैं, और शाम में मुशायरे में जाना था, ये दोपहर की बात बता रहा। तो लौटते हुए JNU से और VP हाउस के बीच में ऑटो में वो नज्म हुई थी। कोई ला के सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। तो ये नज्म फिर मैंने शाम में उस मुशायरे में पढ़ी थी। इमरान साहब, हमने नोटिस किया है, चाहे मदरसों वाली नज़म हो या अखलाक पर आपने दादरी पे जो नज़म पढ़ी वो भी, और ये नजीब वाली भी, हम लोग ये मानते हैं और कि जो भावुक, आप एक भावुक व्यक्ति हैं, और जो भावुक व्यक्ति होते हैं वो बहुत पवित्र हृदय के व्यक्ति होते हैं। तो ये आप को खुद अपना दर्द महसूस होता था, जैसे अभी अभी बात करते समय भी मुझे लगता है कि आपकी आँखों में भी गीलापन है, तो ये आपको खुद दर्द महसूस होता था, एक खुद को कैसे कनेक्ट किया आपने, लिख कैसे पाते हैं? हाँ, ये चूंकि जाहिर सी बात है, शुरू से जज्बाती रहा हूँ। दुनिया में कहीं भी कुछ भी जुल्म होता है तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस जगह मैं होता तो, जैसे मैंने नजीब पर नज्म कही तो मुझे लगा कि नजीब की जगह अगर उनकी अम्मी की जगह मेरी माँ होती, वहाँ बैठ करके प्रोटेस्ट कर रही होती बेटे के लिए, तो वो क्या सोचती। जब मैंने फलस्तीन पे नज्म कही तो मुझे लगा कि मैं फलस्तीन हूँ। जब मैंने कश्मीर पे नज्म कही तो मैंने एक नई विधा भी, आप इसे कह सकते हैं, ये आत्मकथात्मक शैली में नज्में कहने का एक नया ट्रेंड है जो नहीं है, पूरे दुनिया में नहीं था। और मुझे लगता है कि वो जो लोगों की जबान पे चीजें चढ़ने लगी, मेरी पूरी नज्में लोगों को याद हुई। उस जब देखिए, आप जब उस दर्द को महसूस करते हो, जो आपकी शायरी, आपकी लाइन, आपकी कविता अगर आपको भावुक नहीं कर सकती, तो वो सामने बैठे हुए 50,000 लोगों को कैसे भावुक कर पाएगी, कनेक्टिंग कैसे कनेक्ट करेगी। तो मैं पहले उस दर्द को महसूस करता था, जीता था उस दर्द को, और फिर अंदर से जो नज्म निकलती थी और उसे डूब के पढ़ता था। और मैंने नजीब की नज्मों, फलस्तीन की नज्मों, कश्मीर की नज्मों, मैंने 20-20 हज़ार, 25-25, 50-50 हज़ार लोगों को अपने साथ मुशायरों में ज़ारों कतार रोते हुए देखा। ऐसे विजुअल मौजूद हैं
कि माएं उठ के आती थी और स्टेज पर मुझे लिपटा करके फफक फफक के रो पड़ती थी। वो मुशायरों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो तमाम मुखालफत, तमाम मुशायरों की सियासत सब झेलने के बाद भी मैं टिका था मजबूती के साथ, और मतलब जिसको कहते हैं कि हर दिन खुदा जो है मेरी मकबूलियत को बढ़ा रहा था। तो शायद वो जो आपने कहा ना कि पवित्र हृदय है आपका, दिल साफ सुथरा है, बट पॉलिटिक्स में आके लगता है कि नहीं, वो आपके लिए एक परेशानी भी होता है। अभी जैसे हम लोग नोटिस करें कि आप समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, यस भारती आपको मिला, बहुत लंबे समय तक चर्चा रही थी समाजवादी पार्टी जो है वो आपको अपने साथ रखना चाहती है, फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए भी आप तेलंगाना में हैदराबाद में पढ़ने के लिए गए, और उसके बाद में अब कांग्रेस में आप हैं, तो यानी सारी राजनीतिक पार्टियाँ जो थी वो आपसे नज़दीकी रखना चाहती थी और सबको लगता था कि आप उनके हैं। देखिए, मुशायरों और कवि सम्मेलनों का जो कॉन्सेप्ट है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग लोग मुशायरा करते हैं तो हम उसमें एज ए शायर जाते हैं। 2016 में यश भारती मिली, धर्मेंद्र मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, धर्मेंद्र यादव बड़े भाई की तरह हैं। उसका कारण है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो मेरे सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, तो उनसे उस दौरान से लगाव है। तो समाजवादी से ज्यादा मैं ये कहूँ कि मैं धर्मेंद्र के आज भी अच्छी दोस्ती है और वो हमेशा रहेगी, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। मिलते हैं हम लोग, बात होती है खूब सारी राजनीति के अलावा भी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिश्ता बड़ा गहरा रिश्ता है। तो मैं सबके मुशायरों में जाता था, मैं तेलंगाना भी कार्यक्रमों में गया हूँ, मैं आम आदमी पार्टी के मुशायरों में भी गया हूँ। लेकिन एक वक्त के बाद जब 2017 में मैं पहली बार राहुल गांधी से मिला, तो वो किसी मुशायरे की मुलाकात नहीं थी, बाकी सबसे मेरी मुलाकात मुशायरों में थी, गुड मंचों पर। अच्छा अच्छा प्रसंग बता रहे हैं। राहुल गांधी जी से जब मैं मिला तो वो मुशायरों की मुलाकात नहीं थी, वो तो कभी किसी मुशायरे में बैठे भी नहीं है मेरा ख्याल है। हाँ, शायद ही किसी मुशायरे नहीं, कभी किसी मुशायरे में नहीं बैठे हैं वो। ये बाकी सारे लोग तो मुझे मुशायरों में मिले, अखिलेश जी मुझे सैफई महोत्सव में मिले, अरविंद केजरीवाल मुझे जामिया के मुशायरे में मिले, बाकी जो नाम आप गिना रहे हैं तमाम चीफ मिनिस्टर्स, तमाम लोग कहीं ना कहीं मुशायरे में टकरा जाते थे, मिनिस्टर्स सारे लोग, और मैं स्टार था मुशायरों का, स्टार हूँ मुशायरों का। तो मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, मुझसे मोहब्बत, मेरी शायरी से मोहब्बत, तो जो भी मुझे एक बार सुनेगा उसे हो ही जाएगी, वो दुश्मन भी क्यों ना हो, तो वो होता था। वो कला का सम्मान है, वो कला का सम्मान है, किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है। और जो आवाम आपके लिए प्यार जता रही है उस वो मजबूरी भी है लोगों को आपके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना। भीड़ बहुत बड़ी चीज है, आवाम बहुत बड़ी चीज है, मैंने उसको जीता जागता मैंने देखा, मैं उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण हूं। तो राहुल गांधी जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो वो एक पूरी तरह से वो मुशायरों वाली मुलाकात नहीं थी। मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने बुलवाया मुझे, बातें हुई उनसे, घंटे भर बात हुई, 20 मिनट की मुलाकात थी जो 1 घंटा 39 मिनट चली, और बहुत सारी बातें मेरे मन में उनको लेके बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे भ्रम थे। मैं उनसे बेझिझक बिना डरे मैंने उनसे वो तमाम सवाल पूछे जिसकी शायद वो भी उम्मीद ना करते रहे होंगे कि कोई मुझसे ऐसे सवाल पूछ सकता है। और मुझे भी बाद में लगा कि मैं ज्यादा मतलब मुझे थोड़े पॉलिटिकल होना चाहिए था, लेकिन मैं उनसे पॉलिटिकल बन के नहीं मिला था, मैं एज ए शायर मिला था उनसे और खूब बातें की। उन्होंने बड़ी साफ दिली से जवाब दिए जो कि एक किसी राजनेता से मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। उस एक बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया, फिर मेरी 2-3-4-5 मुलाकातें, और फिर उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि जिस तरह की तुम नज़में पढ़ते हो इनके हल भी तलाशने हैं कि बस नज़में पढ़नी, ये उन्होंने देखी उसके बाद, ये उनका शब्द, ये आपने भेजी थी उनको या उन्होंने देख ली? होता है कि जब आप एक दो बार मुलाकात करते हैं तो उनकी टीम है जो उनको, जाहिर सी बात है कोई भी मैं आपसे मिलूंगा तो आपके बारे में जान के बैठूंगा कि हाँ आस मोहम्मद कैफ कौन है, तो पता लगा लिया था उन्होंने तब तक। अच्छा, आप पहली मुलाकात में किसी से बहुत पर्सनल ऐसे ऐसे सवाल पूछ के जाएं जो कोई पूछने की हिम्मत ना करे तो आदमी और मतलब उत्सुकता में आपके बारे में जानना चाहे, डिफरेंट टाइप का है, कौन है आई ये तो है, मतलब इसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये सवाल तो ऐसे पूछ रहा है कि जैसे मतलब कोई बहुत बड़ी चीज हो। आपको बताना चाहिए मैं इलाहाबादी हूँ भाई, आप ही क्या करें। तो फिर मैंने कहा बिल्कुल, तो उन्होंने कहा राजनीति में आओ, राजनीति को अच्छे लोगों की जरूरत, प्रेरित किया। हाँ, उन्होंने प्रेरित किया। और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मेरे लिए इस रीजनल पार्टी को चुनना जाहिर सी बात है ज्यादा
किसी भी राजनीतिक तौर पे ज्यादा समझदारी भरा फैसला माना जाता है। और वो दौर तो और मुश्किल दौर था ना जब मैं आया, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अबकर मतलब देखिए, जो कलाकार है, जो साहित्यकार है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो जल्दी किसी को अपना नेता नहीं मान पाते। बहुत मुश्किल सवाल है ये। मतलब किसी को अपने से बड़ा और अपने से बर्तर और अपने स्वच्छंद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वच्छंद विचारधारा है, स्वतंत्र होते हैं, किसी एक व्यक्ति को अपना नेता मान लेना और उसके सामने आत्मसमर्पण कर देना, ये बड़ा मुश्किल काम, बागी तेवर अधिक होते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन राहुल गांधी का व्यक्तित्व ऐसा है कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये व्यक्ति वो है जिसे अपना नेता माना जा सकता है। और फिर मैंने उन्हें अपना नेता माना, मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और अभी मुशायरे पढ़ता हूँ। नहीं, लोकसभा चुनाव लड़ने गए मुरादाबाद आप? हाँ, लोकसभा चुनाव। और बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब जब बड़े बड़े नेता जो हैं वो 5,000-10,000 वोट पा रहे थे। हाँ, तो मतलब है? तो भी एक बड़ा मुश्किल, देखिए बहुत चैलेंजिंग काम था। पहला चुनाव इतना मुश्किल चुनाव जीवन में दूसरा नहीं हुआ। प्रतापगढ़ से मुरादाबाद चुनाव लड़ने आया। सपा बसपा का अलायंस डेडली कॉम्बिनेशन, जी डेडली कॉम्बिनेशन, कोई एक वोट भी इधर से उधर होने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन मैं लड़ गया चुनाव, मतलब जैसे होता ना कि मुझे कुछ राजनीति की समझ तो थी नहीं, तब तो नहीं थी, बिल्कुल पता नहीं था कि गणित क्या है। एकदम धारा के विपरीत, मतलब एकदम धारा के विपरीत जिद, मतलब आपके चाहने वाले लड़ा देते हैं चुनाव में। और मैं जाके चुनाव लड़ गया। 15-16 दिन 17 दिन मुझे चुनाव के मिले थे, बड़े जीतोड़ मेहनत की और तमाम परिस्थितियां, पैसे नहीं थे मेरे पास, जाहिर सी बात है छोटा आदमी हूँ, थोड़े बहुत जो पैसे कमाए थे वो भी चुनाव लड़ने में खर्च कर दिए, थोड़ी बहुत पार्टी ने मदद की। और उसके बाद मुझे 60,000 वोट मिले थे। और मुरादाबाद की जो वोटिंग पैटर्न है ना, वो बहुत डिफरेंट है। मुरादाबाद एक तरफा वोट करता है जी। जब अजहरुद्दीन सांसद बने तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 24,000 वोट मिला था, जबकि वो मौजूदा विधायक भी था। और फिर अगली बार जब अजहरुद्दीन छोड़ के चले गए और बेगम नूर बानो लड़ी, तो समाजवादी को 4 लाख से ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस को 19,000 वोट मिले, बेगम नूर बानो को। वो भी बेगम नूर बानो को, जो 3-4 बार की सांसद है। आप उस शहर का मिजाज समझिए कि जहां से सिटिंग एमपी कांग्रेस का हो, अगली बार उस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 19,000 वोट मिले। तो वह शहर एक तरफा वोट करता है। उस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझ में भरोसा जताया। और मैं ये मानता हूं कि उसमें से एक बड़ा हिस्सा, उस 60,000 वोट में से, उसने मेरे पसीने और मेरी मेहनत और मेरे बोलने को, मुझ में एक सच्चाई लिखी, उसको दिया। लोगों ने ये कह कह के वोट दिया कि वो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन मतलब सपा बसपा का अलायंस था तो उन्हें यह है कि उसका हौसला नहीं तोड़ेंगे हम, तोड़ने नहीं देंगे हौसला। मतलब वोट किया लोगों ने, बहुत सपोर्ट किया, मोहब्बत दी। मैं उस शहर को सैल्यूट करता हूँ, उस शहर का कर्ज है मेरे ऊपर। और मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वहाँ की नुमाइंदगी भी करूँगा और उसे उतारूँगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं। और शहर से रिश्ता जुड़ा है तो वो कभी टूटेगा नहीं। और चुनाव लड़ा, चुनाव हारा, चुनाव हार के आया तो देश में एनआरसी का मूवमेंट शुरू हो गया। और 6 महीने तो सदमे में रहा, पहली हार थी तो जाहिर सी बात है कि आप, वो एक अलग तरह का सदमा होता है। लेकिन चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं मतलब देश के हर व्यक्ति से कहूँगा कि एक बार चुनाव ज़रूर लड़िए, क्योंकि चुनाव ही ऐसी चीज है जो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाता है जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, दुनिया का कोई भी कोई किताब आपको वो नहीं सिखा सकती। वो सिर्फ प्रैक्टिकली आपको चुनाव लड़ने पे ही पता चलेगा कि जिंदगी ये होती है, लोग ऐसे होते हैं, प्रशासन ऐसा होता है, व्यवस्था ऐसी होती है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और फ्यूचर में भी लड़ूंगा तो वो एक तरह से अच्छा एक्सपीरियंस था। और राहुल जी चुनाव प्रचार में नहीं आ सके, प्रियंका जी चुनाव प्रचार में नहीं आ सके, कोई स्टार कैंपेनर हमारे यहाँ चुनाव प्रचार में नहीं आ सका, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं थी कि प्रोग्राम कैसे लिए जाएंगे। मतलब मैं तो बस ये होता ना कि आंधी तूफान था, मैं लड़ने चला गया, नहीं पता थी चीजें। तो सीख करके आया, फिर कुछ दिन सदमे में रहा, मुशायरों में नहीं गया, अपनी दुनिया में कैद रहा। फिर एनआरसी का मूवमेंट शुरू हुआ तो फिर मैं निकला 2020 में, और फिर मैं पूरे देश में गया। मैंने देशभर में तकरीबन 67 रैलीज अटेंड की, देश के हर स्टेट में गया और लोगों के बीच में खड़ा होकर उन्हें हौसला बंधाया कि ये मुल्क आपका है, कोई आपको हटा नहीं सकता। फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है।
तो मैं खड़ा होकर के बोलता था और लोग मेरी शायरी से प्यार करते ही थे और लोगों ने पलकों पे बिठाया। लाखों लोग पहुंचे बिहार में हाँ, तो मतलब कहाँ, किसी भी जहाँ जहाँ मैं गया, शाहीन बाग से लेकर के और शांति बाग से लेकर के, कोटा से जहां आप लेकर जाते थे के, लाखों कलकत्ता लोग से मिलते। लेकर के, केरल से लेकर के, मुंबई से लेकर के, बिहार से लेकर, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोग आते थे और सुनते थे और भरोसा जताते थे। उनको लगा कि कोई उनके साथ खड़ा है। हैदराबाद गया तो वहाँ FIR, फिर FIR का सिलसिला शुरू हुआ। हैदराबाद गया तो वहाँ FIR, क्योंकि मैंने वहाँ बोला था कि मुझे हैरत है कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं। इस बात का सेंटेंस FIR में डाल करके FIR की गई। तो सब झेलता रहा बिना डरे और 2020 पूरा गुजरा उसमें। फिर कोविड आया, फिर पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से काम किया। पार्टी ने भरोसा जताया, 2022 में राज्यसभा भेजा। आज राज्यसभा में पार्टी का जो पक्ष है उसको मजबूती से रख रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, पूरे देश में जा रहा हूँ, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो काम पार्टी ने सौंपा है, जो भरोसा जताया है, उस पर ईमानदार ये रहने की स्टीरियो कोशिश तोड़ने करूँ। की आदत है आपको? परंपरागत जो चीज़ें होती हैं उसमें आप ब्रेक लगाते हैं, मुशायरे की जो परंपरागत चीज़ें थी उसमें आपने ब्रेक लगाया, उसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी थी, सियासी एक्टिविटी थी, उसमें जब आए तो आपने उसमें ब्रेक लगाया, और उसके बाद जब आप राजनीति अब कर रहे हैं तो उसमें भी आप जो है वो अपना तरह की राजनीति लेकर के आए हैं। अब पहली बार हमको लगता है कि सदन में, सदन से बाहर जो प्रदर्शन होते हैं उसमें, प्रदर्शन में जो है आप की जो नुमाइंदगी होती है, जो प्रेजेंटेशन होती है, जो उपस्थिति होती है, वो अलग तरह की है। नज़में चल रही हैं, गज़लें चल रही हैं, प्रदर्शन रात रात हर बैठे हैं उसमें, आप जो है वो सारी विपक्ष के सांसद बैठे हैं और नहीं आप मोटिवेट कर रहे हैं, सबको जोड़ कर चल रहे हैं, तो ये आदत है क्या आपकी नई चीज़ें स्टीरियो तोड़ने की, दरअसल एक मानक बना हुआ नेचर है। है? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए तो नहीं, आपका एक तारीख, एक प्रोटोकॉल हो गया। आप अकेले गाड़ी लेके नहीं निकल सकते, घूम नहीं सकते, नारे चर्चित हो गए हैं आपके सदन मतलब लोग आपको एक दायरे में बांधना चाहते हैं। जब आप किसी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, आप सदन का हिस्सा बन जाते हैं। मुझे लगता है कि नहीं यार, वो दायरे में जो बन जाए फिर वो आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि नहीं, मैं वो सारे दायरे तोड़ूंगा जो मैं हमेशा तोड़ता रहा हूं। किसी बंधन में नहीं बन सकता। अगर मैं खड़ा हूं तो मैं इसका लिहाज नहीं करूंगा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो मैं नारा कैसे लगाऊं यार। नहीं, अगर सरकार नारे की आवाज सुनकर के ही जागेगी तो मुझे नारा लगाना पड़ेगा, मैं नारा लगाऊंगा। मुझे अगर आप सदन के अंदर नहीं बोलने देंगे तो मैं सदन के बाहर खड़ा होकर के बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मुझसे इस देश के लाखों करोड़ों लोग ये तवक्को करते हैं ना कि मैं उनके मुद्दे पे बोलूं, मैं बात रखूं। सरकार बोलने नहीं देना चाहती। कहा गया है, सुना गया है, कोई ना बोले। जबां दराजों को मशवरा है, कोई ना बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई ना बोले। तो उन्होंने तो म्यूट कर दिया है, पार्लियामेंट को म्यूट कर दिया। सदन ही नहीं चलेगा, सरकार सदन नहीं चलने देगी। चले तब तो बोले। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात रखनी है। ऐसे में मैं शायर हूं, मैं जज्बाती हूं, मुझे अंदर से कुढ़न होती है अगर नहीं बोलूं तो फिर अगर अब सदन के बाहर रात में किसी सांसद को आपने सस्पेंड कर दिया और हम बैठे हैं तो हम वहां भी बैठ के नज्म सुनाएंगे, क्योंकि हमारा, हमारी जिम्मेदारी है। कहने का विकल्प आप खोज लेते हैं। हमें हमें पेशे के साथ ईमानदार रहना है, न्याय करना है, इंसाफ करना है। अगर मैं मणिपुर के लोगों के लिए, चलिए ठीक है, हमने इंटरव्यू में बाइट में बोल दिया, वो बहुत सीमित माध्यम है। लेकिन जब मैंने पार्लियामेंट में रात के 11:30 बजे बैठ करके मणिपुर के लोगों पर नज्म पढ़ी, मैं मणिपुर हूं मेरी सदाएं सुनो, तो लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मुझे लगता है वो नज्म देखी। तो आवाज पहुंचनी चाहिए, वो किसी भी रूप में पहुंचे। मैं सदन के अंदर खड़ा होकर के टाइम लेकर के बोलूं या फिर सदन के बाहर बोलूं, लेकिन मैं रहूंगा तो बोलूंगा। ये आप इसे मानक तोड़ना कहें, इसे दायरा तोड़ना कहें, इसे बंधन तोड़ना कहें, लेकिन मैं ये करता रहूंगा, क्योंकि
मैं नहीं करूंगा तो फिर मुझे लगता है कि मैं सियासत में क्यों हूं, मुझे छोड़ देनी चाहिए सियासत फिर। अगर मैं जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई मतलब, मेरे लिए मेरे सर पे सवार नहीं है कि उसका नशा उसका खुमार जरूरी है मेरे लिए। मैंने शोहरत को मोहब्बत को, पॉलिटिक्स में आने के बाद आप दो तीन चीजें हासिल करते हैं, शोहरत मिलती है आपको, लोगों का प्यार नफरत दोनों मिलती है आपको, और थोड़ा आपको ताकत मिलती है। दो चीजें मुझे पहले से हैं, मुझे शोहरत मतलब वो खुदा ने बेशुमार दी, मोहब्बत बेशुमार दी। दुनिया की मोहब्बत की बात तो आपने कर ली इमरान साहब, लेकिन अपने नेता राहुल गांधी जी की तरह और आप भी जो हैं वो राज्यसभा सांसद हैं, तो आपका नहीं कोई कुंवारा रहने का प्लान है क्या, या मोस्ट एलिजिबल कुंवारा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मोहब्बत की बात आप ही ने की। नहीं नहीं, देखिए हम अपने नेता को फॉलो करते हैं, मैं तो भी एक करके बच लेता हूँ भाई, पहले हमारा नेता शादी करे फिर हम भी करेंगे, करना ही है जाहिर सी बात है, और करेंगे निभाएंगे, छोड़ के भागेंगे थोड़ी प्रधानमंत्री जी की तरह, तो निभाएंगे भी उससे। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम सब इंतजार कर रहे हैं कि अब तो बातें हो रही हैं, लालू जी कह रहे हैं, इमरान प्रताप भी कह रहे हैं कि मैं भी कह रहा हूँ कि राहुल जी जल्दी से जल्दी शादी करें, एक लंबी फेरिश्त है, उसके बाद जो है जो लोग इंतजार, ये उम्मीद है कि राहुल जी की शादी होगी तो फिर आपकी भी शादी हो जाएगी। आप मतलब घर वालों का बहुत दबाव रहता है, मैं तो राहुल जी से कहूंगा कि भाई कब तक झेलें, आप आगे बढ़ के शादी करिए, आप शादी कर लें तो आपके बाद की जो फौज है उसका भी नंबर आए, तो जाहिर सी बात है करना ही है, करेंगे। अब वो मोहब्बतें भी जिंदगी के लिए जरूरी हैं, और वो मोहब्बतें आपको इंसान बनाए रखती हैं, अच्छा इंसान बनाए रखती हैं, तो वो जरूरी है, फिलहाल करेंगे, वो भी करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी साहब को शायरी का शाहरुख खान कहा जाता है, ये बात शायद आप जानते होंगे, और इसके साथ साथ एक दूसरी बात ये भी है कि उनका जो पूरा जीवन रहा है वो ना केवल प्रेरित करने वाला रहा है बल्कि उसमें एक बहुत सकारात्मक चीज़ भी है, वो ये है कि हर पल हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि हर पल टांगे खींचने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन इमरान साहब की तब भी टांगे खींचने की कोशिश की गई, वो चाहे कोई भी फील्ड रहा वो और बेहतर और मजबूत और ताकतवर होकर उभरे हैं, तो इसलिए उनके उनके कैरेक्टर को अब सेल्फ मेड आइकन कहा जाता है, जो अपने दम पर खड़ा हुआ हो। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ और हमें सुनने के लिए बहुत आपका धन्यवाद।